हेलो गाइस, मैं डॉक्टर डीएस। आज हम बात करेंगे ब्रूसलोसिस के बारे में। गाइस, ब्रूसलोसिस हमारे एनिमल्स में पाए जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है। ये ब्रूसेला अबॉर्टस नामक एक बैक्टीरिया के कारण फैलती है। गाइस, ये हमारे एनिमल्स में इसीलिए महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि ये बीमारी जूनोटिक है। जूनोटिक मीन्स ये बीमारी हमारे जानवरों से इंसानों में भी हो सकती है, इसीलिए ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे कि इस बीमारी का हमारे एनिमल्स पे, जानवरों पे क्या इफ़ेक्ट डालती है, इसके अलावा ये हमारे ह्यूमंस में कैसे फैलती है और उसके क्या क्या लक्षण इंसानों में दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी रोकथाम के बारे में। अब हम बात करेंगे गाइस कि इस बीमारी का हमारे एनिमल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत बार गाइस हम देखते होंगे कि हमारे हर्ड में जो फीमेल एनिमल्स हैं, जो 5 से 6 महीने की प्रेगनेंसी के होते हैं, वो सडनली लास्ट स्टेज में आके अबॉर्ट कर जाते हैं। गाइस, ये लास्ट स्टेज में अबॉर्शन होना ब्रूसलोसिस इन्फेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। बहुत बार गाइस आप देखते होंगे कि हर्ड में रेगुलर वे पे अबॉर्शन होता है, तो ये जो स्टोन अबॉर्शन है, ये वन ऑफ द बेस्ट सिम्टम्स ऑफ ब्रूसलोसिस इन्फेक्शन। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे लक्षण अपने एनिमल्स में देख सकते हैं, जैसे कि नी हाइग्रोमा। नी हाइग्रोमा मीन्स कि आपके एनिमल्स के घुटनों पे एक अलग तरह की स्वेलिंग आ जाती है, ये भी एक प्रकार के ब्रूसलोसिस इन्फेक्शन का लक्षण है। इसके अलावा एक और लक्षण आप देख सकते हैं, वो है रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। मतलब आपके एनिमल्स की जो अबॉर्ट होने के बाद जो जिर होती है, जिसे हम जिर कहते हैं, वो बाहर नहीं निकलती, वो भी एक प्रकार के ब्रूसलोसिस इन्फेक्शन का एक लक्षण है। गाइस, ये तो हुई एनिमल्स में इस ब्रूसलोसिस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि ये अबॉर्शन होता कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। गाइस, इनिशियल स्टेज में ये जो ब्रूसेला अबॉर्टस बैक्टीरिया है, ये एनिमल्स के लिम्फ नोड में रहता है। हमारे एनिमल्स में बहुत सारे लिम्फ नोड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुप्रामेमोरी लिम्फ नोड। तो ये क्या करता है, जैसे ही एनिमल्स 5 से 6 मंथ प्रेगनेंसी का हो जाता है, तो ये जो बैक्टीरिया है, ये लिम्फ नोड से यूटेरस की तरफ जाता है और एनिमल्स को अबॉर्ट करा देता है। तो गाइस, ये तो सारी प्रोसेस हुई कि इस बीमारी का हमारे एनिमल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि ये बीमारी हमारे एनिमल्स से ह्यूमन में कैसे ट्रांसफ़र होती है और इसका ह्यूमन में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। गाइस, क्या होता है बहुत बार कि हमारे हर्ड में जो ओनर होता है, वो मिल्क निकालता है। मिल्क निकालने के बाद होता है, हम बिना उबले हुए दूध का सेवन करते हैं, और ब्रूसेला का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा रॉ मिल्क में होता है, इसीलिए हमें हमेशा उबले हुए दूध का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि ब्रूसेला का इन्फेक्शन इंसानों में हो जाता है। गाइस, बहुत बार क्या होता है कि हमारा एनिमल जब अबॉर्ट कर जाता है, तो उसकी फीटल मेम्ब्रेन, मतलब कि जिर, वो बाहर नहीं निकलती। तो ऐसे में हमारा जो ओनर होता है, वो बिना किसी प्रिकॉशन के, बिना किसी हैंड ग्लव्स पहने, उस जिर को निकालने की कोशिश करता है। ऐसे में क्या होता है कि अगर उस ओनर के कहीं उंगली पे कोई वुंड है या घाव है, तो ऐसे में उस ब्रूसेला के इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो गाइस, ये तो हुई कि ये हमारे जानवरों से इंसानों में कैसे फैलता है। अब हम बात करेंगे इसका हमारे इंसानों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसके क्या क्या लक्षण इंसानों में दिखाई देते हैं। गाइस, जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इंसानों में ब्रूसलोसिस इन्फेक्शन का दिखता है, वो है फीवर, इंटरमीटेंट फीवर, मतलब रुक रुक के बुखार आना। गाइस, और फ्लू लाइक लक्षण आपको अलग से दिखाई देंगे जिस इंसान में ब्रूसलोसिस का इन्फेक्शन है। गाइस, इसीलिए इस बीमारी को अंडुलेटिंग फीवर के नाम से भी जानते हैं। अब हम गाइस बात करते हैं इस बीमारी के रोकथाम के बारे में। इस बीमारी के रोकथाम का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है काफ़ूट वैक्सीनेशन। मतलब कि हमारे जितने भी काफ 4 से 8 महीने की एज के हैं, उनमें प्रॉपर वैक्सीनेशन होना। गाइस, हमारे इंडिया में लाइव स्टैन ब्रूसेला अबॉर्टस C19, जो कि ब्रूवैक्स के नाम से आती है, उसकी 2 ml डोज सबकट देने से हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। वैसे गाइस, हमारा फील्ड अनुभव ये कहता है कि अगर हम इस वैक्सीन को 2.5 महीने से 6 महीने के बीच में दें, तो इसके नतीजे बहुत अच्छे मिलेंगे।
इसके अलावा गाइस एक और वैक्सीन है, वो RV51। गाइस इस वैक्सीन के आने से अब हम एडल्ट में भी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो ये तो गाइस हुआ कि हम इस बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए। तो जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ गाइस, हमेशा हमें उबले हुए दूध का ही सेवन करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब भी इस तरीके का अवोषण का केस हमारे हार्ट में मिलता है तो हमें बिना प्रिकॉशन के उस फीटल मेम्ब्रेन को, जीर को नहीं निकालना है। तो गाइस ये तो था ब्रूसेलोसिस के बारे में। थैंक यू सो मच।